नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है EduTechCom में। आज हम लोग जानेंगे जावा डेवलपमेंट किट कैसे डाउनलोड करते हैं और एक IDE जावा के लिए कौन सा डाउनलोड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का ये पार्ट टू है। इसके पहले अगर आप लोगों ने हिस्ट्री वाले नहीं देखा है तो उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में दोस्तों JDK डाउनलोड करेंगे। JDK क्या होता है दोस्तों? जावा डेवलपमेंट किट। इसके बिना आप जावा का कोड अपने कंप्यूटर में नहीं लिख सकते। ये दोस्तों इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों एक IDE डाउनलोड करेंगे। IDE की होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट होता है, जिसकी मदद से आप लोग जावा का कोड आसानी से अपने कंप्यूटर में राइट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। वह जावा का कोड आप दोस्तों कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, नोटपैड से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एक आगे चल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, उसमें दोस्तों आपको IDE पे हाथ बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोगों ने IDE पर पहले से काम करते रहोगे, शुरू में जावा सीखने के टाइम से ही IDE पर काम करिएगा, तो दोस्तों आपको आगे चल के उसके बारे में कोई भी IDE को सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसे दोस्तों आपको आसानी होगा जावा का कोई भी प्रोजेक्ट, ऑफिशियल प्रोजेक्ट या कह लीजिए कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको सीखने में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस IDE कौन सा यूज करेंगे। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे IDE होते हैं, जैसे हो गया IntelliJ IDEA, उसके बाद NetBeans हो गया, Eclipse हो जाता है और भी होते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे IntelliJ IDEA। इसको भी कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। IntelliJ IDEA, ये दोस्तों इसका दो वर्सन होता है, एक पेड वर्सन एक फ्री वर्सन। लेकिन दोस्तों फ्री वर्सन वाला ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि जावा सीखने के लिए ये बहुत इनफ है। इसमें आपको पेड वर्सन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब कंप्यूटर के स्क्रीन पर वहाँ पर हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं ये सारे चीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले JDK डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने ब्राउजर में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग गूगल ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दोस्तों डाउन टाइप करेंगे JDK डाउनलोड। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा दोस्तों इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, ओरेकल डाउनलोड, JDK डाउनलोड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे JDK डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा IC डाउनलोड है। तो जो दोस्तों हम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था जावा IC क्या होता है, स्टैंडर्ड एडिशन, बेसिक जावा सीखने के लिए काफी है। उसके बाद दोस्तों आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जो सावे, तो उसे आपको डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे विंडोज वाला यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि अभी वर्जन चल रहा है JDK 15.0.2। तो इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना और डाउनलोड JDK पे क्लिक कर देना, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप हम लोगों को एक और चीज़ डाउनलोड करना, जो कि मैंने बताया था IDE, तो उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोग हम लोग टाइप करेंगे IntelliJ IDEA डाउनलोड। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर आप लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये आता है दोस्तों यहाँ पे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर ले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना आप कौन सा डाउनलोड करना चाहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एक अल्टीमेट वर्सन रहता है, एक कम्युनिटी वर्सन रहता है। अगर दोस्तों आप लोग कम्युनिटी वर्सन में यूज करना चाहते हैं, ये फ्री है और ओपन सोर्स है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। IntelliJ अल्टीमेट में आपको बहुत सारे वर्सन दिखेंगे, जावा, कोटलिन, जो भी रहता है इसका, जो एंड्रॉयड वगैरह भी प्रोग्रामिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फ्री वाले में भी बहुत सारा वर्सन फ्री है। तो दोस्तों हम लोग फ्री वाला ही यूज करेंगे। कम्युनिटी यहाँ से आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोग डाउनलोड करके रखें, इसका साइज 600 MB के लगभग है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर ले। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ब्राउजर का काम हो गया, इसको हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो डाउनलोड किए हैं
वहां पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जहाँ पे मेरा डाउनलोड करके रखा हुआ उस फाइल में मैं जाऊंगा। मेरा ये सॉफ्टवेयर वाला फाइल में है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पहला नंबर तो है यहाँ पे JDK फॉर विंडोज। तो हम लोग इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, रन एडमिनिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये दोस्तों इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, तो हम लोग पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल है, जहाँ पे ये होता होने दे, नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके होने दे इसको। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपने देखा दोस्तों ये जावा डाउनलोड हो गया। तो जावा डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों हम लोगों को एक और काम करना, जावा जो डाउनलोड हुआ उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाथ सेट करने के लिए पहले हम लोग चलते हैं फाइल मैनेजर में, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जावा कहाँ पे इंस्टॉल हुआ। तो यहाँ पे हुआ है दोस्तों सी फाइल में हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं प्रोग्राम फाइल में, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जावा JDK 15 बिन। तो ये वो रहता है दोस्तों जावा का फाइल। यहाँ पे हम लोग सिंपल है इसको, यहाँ पे आएंगे इस पाथ पे, उसके बाद दोस्तों कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद दोस्तों इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल यहाँ पे सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम, इस पे आप लोग ये अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे स्मॉल आइकन कैटेगरी लार्ज आइकन करके आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्मॉल आइकन वाला हम आ रहा था, तो आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम ढूंढना है। सिस्टम में जाने के बाद दोस्तों ये आपका सेटिंग खुल जाएगा, आपका जो कंप्यूटर का जो भी रहेगा रैम वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस कोने में राइट में देखिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनवायरमेंट एंड वेरिएबल पे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पाथ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको न्यू पे क्लिक करना, और वो जो पाथ कॉपी किए थे आप यहाँ कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ओके करना है, फिर ओके करना, फिर ओके कर देना। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपका पाथ जावा में सेट हो चुका है। तो उसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब बारी आती है दोस्तों इंस्टॉल करने का इंटेलिजेंट आइडिया को। इंटेलिजेंट आइडिया कैसे इंस्टॉल करेंगे, उस वहां पे जाएंगे जहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड हुआ हुआ है, तो यहाँ पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट आइडिया 3.2.exe डाउनलोड है, इसको हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद इसको काम हो गया तो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल है नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकॉन, तो हम लोग 64-bit लॉन्चर आइकॉन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग सिंपल है इस पे क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सिंपल है नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, जेड इसको भी इंस्टॉल कर दीजिए और ये दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ये आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट आईडी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है रन इंटेलिजेंट आईडी, क्या आप रन करना चाहते हैं, टिक कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक जेड ब्रांड का प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डाटा शेयरिंग, तो हम लोग कर देते हैं डोंट सेंड। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, इसका वर्जन भी आप देख सकते हैं 2020.3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो चुका है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट ओपन गेट फ्रॉम PVC। PVC क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे सिंपल है न्यू प्रोजेक्ट पे पहले सेटिंग में जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट को अगले वीडियो में बनाएंगे, पहले हम लोग सेटिंग में जाते हैं।
एक काम करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग न्यू प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जावा का जो वर्जन हम लोगों ने डाउनलोड किया था 15.0 वो यहाँ पे आ चुका, मतलब आपका काम अब हो चुका है। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ जावा पे टिक रहने थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे सिंपल एक क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, तो हम लोग यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों पैकेज नेम, बेस्ट पैकेज नेम। तो पैकेज नेम बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये आपका प्रोजेक्ट, अगर आप लोग मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाया है जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया जावा की मदद से, तो इसमें दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जब अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर आपको पैकेज नेम देना पड़ता है। उस पैकेज नेम के मतलब आइडेंटिटी रहता है, उसके नाम से अगर आप दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका उल्टा करके डोमेन नेम डाल दें, पैकेज नेम डालना जरूरी रहता है। जैसे मैं दे देता हूँ com.edutica, जैसे यहाँ पे मैं दे दिया। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, तो ये दोस्तों हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी करके दे देगा इंटेलिज आईडी। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये जावा का कोड भी लिख के हम लोगों को दे चुका है, यहाँ पे कुछ काम ये कर रहा है, तो ये कह रहा है कि टिप लीजिएगा, तो हम लोग टिप नहीं लेने वाले क्योंकि दोस्तों सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग उसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ कह रहा है इंडेक्सिंग जेडके वगैरह ये सब अपना कर रहा है, तो हम लोग इसको होने देते हैं। तो ये हो जाए तब तक दोस्तों हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं सेटिंग में, जाते हैं सेटिंग में क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग दोस्तों यहाँ पे इसका थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्लेजे लाइट पे क्लिक कर देते हैं तो ये दोस्तों हमारा व्हाइट हो जाएगा, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। आप लोग भी चाहे तो कर सकते, छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा जावा का कोड पूरी तरीके से बन के हो चुका है। तो कुछ मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, अगले वीडियो में भी थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, इस वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको भी एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर फर्स्ट नाम जो मैंने एप्लीकेशन का नाम रखा था फर्स्ट वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एक आइडिया नाम से है, इसको आप लोग अभी रहने दें, उसके अंदर जाइए, उसके अंदर दोस्तों आपको इस तरीके इतने सारे एग्जाम्पल फाइल मिलेगा, इसको भी क्लोज कर दीजिए। SRC में जाइए, यहाँ पे आप लोगों ने जो पैकेज नाम दिया था दोस्तों com.edutica यहाँ पे आपको दिखेगा, उसके अंदर दोस्तों मेन फंक्शन रहेगा। तो मेन जो प्रोजेक्ट है दोस्तों आपका क्लास का नाम और फाइल का नाम एक ही रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं main.java यहाँ पे और main क्लास का भी नाम लिखा हुआ है। तो ये सब के बारे में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जावा में हेलो वर्ड प्रोग्राम कैसे रन करते हैं इंटेलिजेंट आईडिया में। उसके बाद दोस्तों हम लोग और भी ज़्यादा प्रोग्राम बनाते रहेंगे जावा का और सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।